प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से इस आराधना में। आप जितने भी लोग इस समय यहाँ पर हैं और ऑनलाइन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों का हार्दिक स्वागत। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, और एक बार हम प्रभु के साथ जुड़ने के लिए इस जगह पर बैठे हैं, एक साथ आए हैं। अगर आप कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ेंगे, कुरिन्थियों का पत्र उसके अध्याय 6, पहला कुरिन्थी है या दूसरा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन कुरिन्थियों के पत्र में लिखा हुआ है कि जिसका मिलन ईश्वर से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। जिसका मिलन ईश्वर के साथ होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। नाउ प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है, और संत पौलुस कहते हैं कि जिसका मिलन ईश्वर से होता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। उदाहरण के लिए, एक गिलास में दूध है, ठीक है, या पानी है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर आप जो है दूध मिलाते जाएं, तो वो पानी कैसा लगेगा? दूध जैसा लगेगा। वो पानी दूध में मिक्स हो जाता है। ठीक इसी तरह से वचन कहता है कि जो ईश्वर के साथ एक होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है, यानी ईश्वर के गुण उसमें आ जाते हैं, ईश्वर की उपस्थिति उसमें आ जाती है। इसलिए आप पढ़ेंगे योहन के पत्रों को, अगर आप पढ़ेंगे तो योहन अपने पत्रों में बार बार ये कहते हैं कि ईश्वर का जीवन तत्व हम में है, यानी ईश्वर के तत्व जो हैं, यानी ईश्वर के गुण, ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का स्वभाव हम में है। शुरू से ही आप पढ़ेंगे बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है अध्याय 1 वाक्य 26-27, और उसके आगे आप पढ़ते जाएंगे, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा? ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। तो हम किसके प्रतिरूप में बनाए गए? ईश्वर के प्रतिरूप में। नाउ यीशु कहते हैं कि ईश्वर आत्मा है, पौलुस कहते हैं कि जो ईश्वर के साथ जुड़ता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है, योहन कहते हैं कि उसका जीवन तत्व हम में क्रियाशील है, और उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें उसके समान बनाया। कितनी अद्भुत और अनोखी बात है, यानी ईश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, ईश्वर हमसे इतने क्लोज रिश्ता रखते हैं, इतना घनिष्ठ रिश्ता रखते हैं कि वो स्वयं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे संग रहना चाहते हैं, हमारे संग बात करना चाहते हैं, हमारे हर परिस्थितियों में हमारा साथ देना चाहते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे, आपने बचपन से सुना होगा कि कण कण में ईश्वर का निवास है। सुना है कि नहीं? कितने लोगों ने नहीं सुना? हाँ, सबने सुना है, कण कण में ईश्वर का निवास है, ये हमने सुना है। लेकिन मैं कहता हूं ये गलत है। कण कण में ईश्वर का निवास हो नहीं सकता है, बल्कि बाइबल आप पढ़ेंगे ध्यान से तो शायद नबी यर्मिया के ग्रंथ में या इसाइस के ग्रंथ में एक वचन है कि सारे कण मुझ में हैं। प्रभु कहता है सारे जो कुछ बना है मुझ में, सारे कण परमेश्वर में हैं। कण कण में परमेश्वर वास नहीं कर सकता, कण बहुत सारे होते हैं। ये मोमबत्ती जल रही है आपके सामने, कण है, कीबोर्ड रखा है, कण है, जितनी वस्तुएं सब कण है, लेकिन इनमें ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर केवल और केवल, बाइबल बताती है, मनुष्य के हृदय में निवास करता है, यहां तक कि वो हमारे बनाए हुए, हाथ से बनाए हुए मंदिर में भी निवास नहीं करता।
बाइबिल कहती है। चाहे आप कितना भी सुंदर मंदिर को सजाएं, संवारें, धो धोकर पोछा लगा लगा कर रखें, ईश्वर उसमें रहना पसंद नहीं करते। पौलुस कहता है ईश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिर में निवास नहीं करता, बल्कि वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर भी हम ईंट पत्थर से बनाए हुए मंदिर की इज्जत करते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि हम वहां पर एक साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें अपने शरीर की, अपने हृदय की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। दूसरे वाक्य में आप पढ़ेंगे आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो प्रभु हमसे क्लोज रिश्ता रखते हैं, बहुत अनूठा संबंध है परमेश्वर का मेरा। इसलिए एक गीतकार है, उन्होंने लिखा तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। ये दो लाइनें गाए उसकी, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, कहो कहो, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, कहो कहो, तेरा मेरा रिश्ता सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, गाओ गाओ, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तो जितना आप गहराई में जाएंगे परमेश्वर के और मनुष्य के रिश्ते के लिए, उतना प्यार आपको हो जाएगा परमेश्वर से, उतना उतना लगन आपको हो जाएगी, उतनी उतनी भक्ति आप दिखा पाएंगे परमेश्वर के प्रति। पूरी बाइबिल में ईश्वर और मनुष्यों का ही तो संबंध है। आप पढ़ेंगे, पूरी बाइबिल पढ़ो आप, पूरी बाइबिल में शुरुआत से लेके अंत तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशना तक, ईश्वर और मनुष्य का संबंध है। प्रार्थना करें, इतने अच्छे परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें, आंखें बंद रखें, धन्यवाद दें उस भले परमेश्वर के लिए जो हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे हृदय में निवास करना चाहते हैं, हमारे लिए सब कुछ, यहां तक कि अपने इकलौते बेटे को भी दे देने वाले परमेश्वर की आराधना करें इस समय, उसकी तारीफ करें कितना महान है वो। हालांकि हम उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। पापी हैं हम, कमजोर हैं हम, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, तारीफ करें परमेश्वर की। एक बार सोच कर देखें कि मैं और आप हैं क्या, कुछ भी नहीं है। कोई योग्यता है, कोई योग्यता नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे कि परमेश्वर हमसे प्यार करे, लेकिन फिर भी वो करता है। धन्यवाद दें, तारीफ करें, महिमा करें।
तेरी महिमा हो। आत्मा तेरी महिमा हो, आत्मा तेरी महिमा हो। Hallelujah, 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 jai jai kaar, jai jai kaar।
देता तू, जीवन हमको देता तू। हरी भरी चराइयों में लेकर हमको जाता तू। Yeah।
प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का अनुग्रह इस वेदी से आपके घर की ओर बह रहा है। सारे कामकाज छोड़कर कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करना। अपने घरों को प्रभु, अपने घरों में प्रभु का आदर करना, उसे प्रथम स्थान अपने जीवन में और घर में देना, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना, जिस तरह से मूसा ने, सुलेमान ने, दानियल ने, एस्थेर ने अपने उन हाथों को उठाकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, जिस तरह से दाऊद ईश्वर के सामने उपस्थित होकर स्तुति करता था, उसने अपने शिथिल हाथों को सबल बना लिया था, उसी तरह से समर्पित करना। संध्या का यह पवित्र समय है, आपकी चंगाई का समय है, आपकी आशीषों का समय है, बंधन टूटने का समय है, यह आपकी सांत्वना का समय है। जो दुख में है, जो कष्ट में है, प्रभु उन्हें सांत्वना प्रदान करेगा। जो निराश है, प्रभु उन्हें ढारस बंधाएगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त प्रभु के साथ एक हो जाना, जीवन स्रोत के झरने के पास चले आना, बच्चों के साथ मिलकर इस वक्त आराधना करना, कुछ समय के लिए अपने सारे काम को छोड़ देना, प्रभु से जुड़ना और प्रथम स्थान उसे देना। बाइबल में बताती है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। इसी के साथ प्रभु यीशु कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे। इस वक्त थोड़ा सा त्याग कर लेना, इस वक्त थोड़ा सा त्याग कर लेना, अपनी बहुत जरूरी चीज, मनपसंद चीज को थोड़ी देर के लिए अलग कर देना अपने आप से, और प्रभु को प्रथम स्थान देना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में है, हम उसकी उपस्थिति में हैं। वो जहां जहां गया उस जगह पर शांति, उद्धार और चंगाई आई, उन्नति आई। गलीलिया में, कफरनाहम में, बैतलहम में,
जिस जिस घर में उसने प्रवेश किया उस घर में उद्धार छा गया, उस घर में मुक्ति आ गई। आज आपके घर में भी मुक्ति आएगी। जो उसका स्वागत करेंगे प्रियजनों, उसके घर में आज उन्नति आएगी। प्रभु की क्षमा, उसकी शांति को आप अनुभव करेंगे। जब वो आपसे बातें करता है तो महसूस करना कि आपसे सबसे प्यारा मित्र जब आपसे बातें करता है तो आपको बड़ा आनंद होता है। परंतु यहाँ हमारा मुक्तिदाता जो हमें चलाता है, हमें सजाता है, हमें संवारता है, हमें ले चलता है, ढारस देता है, मृत्यु से बचाता, दुर्घटनाओं से बचाता, आगे आगे चलता है, हम उससे बातें कर रहे हैं। हम उसकी हजूरी में हैं। इस वेदी के चारों ओर सैकड़ों स्वर्गदूतों को विश्वास की आंखों से देखना, वो इस पवित्र संस्कार की आराधना कर रहे हैं। आपका घर प्यारे भाइयों और बहनों उसकी महिमा से भरा हुआ है, क्योंकि उसका वादा है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ, मैं हृदय से उदास हूँ, कि मैंने तेरी, कि मैंने तेरी असीम भलाई का, असीम भलाई और बड़ाई का, और बड़ाई का अपराध किया है, अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से, मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से, मेरे पापों से नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से, तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूंगा, तेरा अपराध कभी नहीं करूंगा, पाप की जोखिमों से, पाप के जोखिमों से दूर रहूंगा, दूर रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा,
प्रभु की उपस्थिति में स्तोत्रकार के साथ मिलकर इस भजन को दोहराइए और इसे अपनी प्रार्थना बनाकर समर्पित कीजिए। दुख को, कष्टों को, चिंताओं को भूलकर कुछ समय के लिए समर्पण करना, अपने घर को, घर की चार दीवारी को, आटा गूंदने की परात को, बच्चों को, नाती पोतों को, बुजुर्गों को, दंपति अपने आप को समर्पित करें, अपने दफ्तर को समर्पित करें। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। साम नंबर 89, स्त्रोत संख्या 89, साम नंबर 89। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा, मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा, तेरी कृपा सदा बनी रहेगी, तेरी कृपा सदा बनी रहेगी, तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थाई है, तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थाई है, तूने कहा मैं अपने कृपा पात्र दाऊद से, तूने कहा मैं अपने कृपा पात्र दाऊद से, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा के लिए स्थापित करूँगा, मैं तुम्हारा वंश सदा के लिए स्थापित करूँगा, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा, प्रभु आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है, प्रभु आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है, स्वर्गिकों की सभा, स्वर्गिकों की सभा तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करती है, तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करती है, आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु के समान हो, आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु के समान हो, स्वर्ग दूतों में प्रभु के सदृश कौन, स्वर्ग दूतों में प्रभु के सदृश कौन, ईश्वर स्वर्गिकों की सभा में महाप्रतापी है, ईश्वर स्वर्गिकों की सभा में महाप्रतापी है, अपने साथ रहने वालों में सर्वाधिक श्रद्धे है, अपने साथ रहने वालों में सर्वाधिक श्रद्धे है, विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर तेरे समान कौन, विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर तेरे समान कौन, प्रभु तो शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है, प्रभु तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है, तू महासागर का घमंड चूर करता, तू महासागर का घमंड चूर करता, और उसकी उदंड लहरों को शांत करता है, और उसकी उदंड लहरों को शांत करता है, तूने रहब पर घातक प्रहार किया, तूने रहब पर घातक प्रहार किया, और अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, और अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, आकाश तेरा है पृथ्वी भी तेरी है, आकाश तेरा है पृथ्वी भी तेरी है, तूने संसार और उसके वैभव की स्थापना की, तूने संसार और उसके वैभव की स्थापना की, तूने उत्तर और दक्षिण की सृष्टि की, तूने उत्तर और दक्षिण की सृष्टि की, ताबोर और हेरमोन तेरे नाम का जयकार करते हैं, ताबोर और हेरमोन तेरे नाम का जयकार करते हैं, तेरी भुजा शक्तिशाली है, तेरी भुजा शक्तिशाली है, तेरा हाथ सुदृढ़ है, तेरा हाथ सुदृढ़ है,
तेरा दाहिना हाथ प्रतापी है, तेरा दाहिना हाथ प्रतापी है, तेरा सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है, तेरा सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है, प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता तेरे आगे आगे चलती है, प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता तेरे आगे आगे चलती है, प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है, वह प्रजा जो तेरा जयकार करती है, वह प्रजा जो तेरा जयकार करती है, और तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, और तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, वह दिन भर तेरे नाम पर आनंद मनाती, वह दिन भर तेरे नाम पर आनंद मनाती, और तेरे न्याय पर गौरव करती है, और तेरे न्याय पर गौरव करती है, क्योंकि तू ही उसके बल की शोभा है, क्योंकि तू ही उसके बल की शोभा है, तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, प्रभु ही हमारी रक्षा करता है, प्रभु ही हमारी रक्षा करता है, इज़राइल का परम पावन ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर, हमारे राजा को संभालता है, हमारे राजा को संभालता है, तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर, तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा, अपने भक्तों से यह कहा, मैंने एक शूरवीर की सहायता की है, मैंने एक शूरवीर की सहायता की है, जनता में एक नवयुवक को ऊपर उठाया है, जनता में एक नवयुवक को ऊपर उठाया है, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है, अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है, मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा, मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा, कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, कोई विद्रोही उसे नीचा नहीं दिखा सकेगा, कोई विद्रोही उसे नीचा नहीं दिखा सकेगा, मैं उसके विरोधियों को उसके सामने मिटा दूंगा, मैं उसके विरोधियों को उसके सामने मिटा दूंगा, मैं उसके बैरियों को परास्त करूंगा, मैं उसके बैरियों को परास्त करूंगा, मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा, मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा सदा उसका साथ देती रहेगी, सदा उसका साथ देती रहेगी, मेरे नाम के कारण उसका सामर्थ्य उठेगा, मेरे नाम के कारण उसका सामर्थ्य उठेगा, मैं समुद्र पर उसका हाथ आरोपित करूंगा, मैं समुद्र पर उसका हाथ आरोपित करूंगा, और नदियों पर उसका बाहुबल, और नदियों पर उसका बाहुबल, वह मुझसे कहेगा तू ही मेरा पिता है, वह मुझसे कहेगा तू ही मेरा पिता है, मेरे ईश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धारक, मेरे ईश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धारक, मैं उसे अपना पहलौठा बनाऊंगा, मैं उसे अपना पहलौठा बनाऊंगा, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थाई है, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थाई है, मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा, मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा, उसका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थाई होगा, उसका सिंहासन आकाश की तरह चिरस्थाई होगा, हालेलुया 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 हालेलुया।
यदि उसके पुत्र मेरी संहिता का तिरस्कार करेंगे, यदि उसके पुत्र मेरी संहिता का तिरस्कार करेंगे और मेरी शिक्षा पर नहीं चलेंगे, और मेरी शिक्षा पर नहीं चलेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो मैं उनके अपराधों के कारण उन्हें मारूंगा, तो मैं उनके अपराधों के कारण उन्हें मारूंगा, उन्हें कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा, उन्हें कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थाई है, किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थाई है, मेरी प्रतिज्ञा सदा बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा सदा बनी रहेगी, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, अपने मुख से निकला वचन नहीं बदलूंगा, अपने मुख से निकला वचन नहीं बदलूंगा, मैंने सदा के लिए अपनी पवित्रता की शपथ खाई, मैंने सदा के लिए अपनी पवित्रता की शपथ खाई, मैं दाऊद के सामने मिथ्यावादी नहीं बनूंगा, मैं दाऊद के सामने मिथ्यावादी नहीं बनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने हमसे बातें की हैं, दाऊद की प्रार्थना का उत्तर दिया है, उससे प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिज्ञा आज आपसे है। मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा, मैं अपने नाम के कारण ये शपथ खाकर कहता हूं, मैं मिथ्यावादी नहीं बनूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं बदलूंगा, मैं तुझे पवित्र तेल से विलेपन करूंगा, मेरा हाथ जैसे दाऊद को संभालता है तुझे भी संभालेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यह पवित्र समय है प्रभु से बातें करने का, उसकी बातों को सुनने का, उसकी आज्ञाओं को और शिक्षाओं को सुनने का। इसलिए सुक्ति ग्रंथ में पवित्र वचन हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, पुत्र यदि तुम मेरी शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, तो तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। ये संदेश है आज। आप में से जितने भी लोग इस वक्त अपने आप को तैयार कर रहे हैं वचन सुनने के लिए, प्रभु ने हमें समझाया है कि यदि तुम मेरी बातों पर कान लगाओगे, उन्हें सुनोगे, समझोगे, उन पर चलोगे, तो तुम धार्मिकता का मर्म समझोगे, तुम न्याय का मर्म समझोगे, सत्य का, सच्चाई का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। आइए हम प्रभु से वादा करें, इस सुंदर गीत को गाते हुए हम उसकी महिमा के लिए प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें। Oh,
कोई रहे पर तुझसा नहीं, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, तुम सारे हृदय से, तुम सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 5 पद संख्या 5 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, निर्भर मत रहो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, हम 40 की इस पवित्र अवधि में हैं और सभी लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं उपवास के साथ पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के और नजदीक आने के लिए, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के माध्यम से, सेवा कार्यों के माध्यम से अनेक लोग प्रभु के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने कामों में आज भी व्यस्त हैं, उनके जीवन में कष्ट भी है, दुख है, परेशानी है, चिंता है। कुछ लंबे समय तक यदि रोग या बीमारी घर में रह जाती है तो निराश हो जाते हैं,
सोचने लगते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, कमजोर पड़ने लगते हैं, घुटनों में बल समाप्त होने लगता है, तो एक सुंदर वचन आज प्रभु ने दिया है प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और उससे आगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और उससे आगे लिखा है कि ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें, ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। ये वचन है आज का, ये संदेश है प्रभु का आज आप सभी लोगों के लिए जो इस पवित्र संध्या के दौरान प्रभु का वचन सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बाइबल कह रही है, संत पौलुस लिखता है कि आप अपने शिथिल घुटनों को सबल बनाएं, इन हाथों को जो प्रार्थना में उठते नहीं हैं, इनको आप सबल बनाएं, क्योंकि जब तक ये ऊपर रहेंगे आपके बच्चे जीतते जाएंगे। जब एक याजक के हाथ ऊपर रहते हैं तो उसकी कलीसिया विजयमान होती जाती हैं, जब घर के मुखिया के हाथ ऊपर रहते हैं प्रार्थना में नित्य प्रतिदिन, दंपति के हाथ जब प्रार्थना में प्रभु के आगे पसारे रहते हैं तो वो उनकी संतान को, इसके घर को आशीर्वाद देता है। लिखा है इसके पहले वचनों में, वचन संख्या 11 में, जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांति प्रद फल प्राप्त करेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ, हालेलुया। तो बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब प्रभु के नबियों ने अपने हाथों को उसके सामने पसारा, प्रभु के सामने जब उन्होंने घुटने टेके, जब उन्होंने टाट ओढ़ लिया, भस्म रमा ली, सब कुछ त्याग दिया, राख के ढेर पर बैठ गए और प्रायश्चित करने लगे और प्रभु के दया की बाट जोहने लगे, उसकी करुणा की राह देखने लगे, क्या जाने वो हमारी प्रार्थना सुन ले और सहज ही द्रवित हो जाए, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो सहज ही द्रवित हो जाता है, क्या जाने ऐसा हो जाए। इसलिए एक विश्वासी को निराश नहीं होना चाहिए, कितना भी भारी कष्ट क्यों ना हो, समस्या जितनी ज्यादा बड़ी हो प्रार्थना उतनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, दुख जितना ज्यादा बड़ा हो प्रार्थना उतनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। मूसा के विषय में सोचिए, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जब इजरायली जनता को वो मरुभूमि से लेकर होकर जा रहा था, एक के बाद एक कष्ट जब आता था तो मूसा दौड़ता था सिनाई पर्वत के ऊपर, क्या करने के लिए, बात करने के लिए, कितने कितने दिन वहां पर रहता था, 40 रात 40 दिन वहां पर रहकर उपवास करता, प्रार्थना करता, यही सोच के कि परमेश्वर उसकी आवाज को सुनेगा और उसे उत्तर देगा। जब जब कष्ट आया, जब जब परेशानी आई, जब जब उसे चिंता हुई, जब जब उसे शत्रु सताने लगा, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो सीधा दौड़कर पर्वत पर जाता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर पर्वतों का रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो बार बार वहां पर जाता था। बाइबल में पर्वतों के विषय में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि वो ऊंचे हैं और आकाश को छूने वाले हैं, गगनचुंबी को छूने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर उन पर विराजमान है और वहां उसे वो मिलने जाता था। इसी संदर्भ में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 में लिखा हुआ है, सुंदर वचन है, हम पढ़ेंगे कि हाथ उठाने में प्यारे भाइयों और बहनों कितने आशीर्वाद मिलते हैं और परमेश्वर किस तरह से उन हाथों को ब्लेस करता है, और उन हाथों के जरिए जिनके लिए प्रार्थना की जाती है
वो उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 और उससे आगे, पद संख्या 10 से मैं पढ़ूंगा। लिखा, मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा, मूसा कहता है। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। परिवार में आप दो और आपके दो, क्या कभी ने एक दूसरे के हाथ को उठा के रखने की सहायता किया एक दूसरे को? हारून के, मूसा के अपने भाई हारून और हूर, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके आजू बाजू खड़े होकर उसको सहारा देते, ये सोचकर कि परमेश्वर इससे बातें करता है, इसकी आवाज को सुनेगा, प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए उसने एक पत्थर लाकर वहां रख दिया, मूसा बैठ गया। एक तरफ हूर ने उसका हाथ थामा और दूसरी तरफ हारून ने उसका हाथ थामा और उसको सामर्थ्य प्रदान किया कि तेरे हाथ ऊपर रहे। आज आपकी संतानें हार रही हैं, आज आपकी संतानें गलत जिंदगी जी रही हैं, आज आपकी संतानें अनेक ठोकरें खा रही हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता के हाथ ऊपर नहीं है, वो शिथिल हो चुके हैं, उनमें बल नहीं है, वो घुटना नहीं टेक सकते हैं, दर्द होता है। बिना त्याग के अभिषेक नहीं है, बिना त्याग के चंगाई नहीं है, बिना दुख के महिमा नहीं है। उस वक्त मूसा ने पहाड़ी के ऊपर बैठकर सुबह से लेकर शाम तक, संध्या सूर्यास्त तक अपने हाथों को उठाए रखा, प्यारे भाइयों और बहनों। और परमेश्वर इसराइलियों को विजय दिलाता जाता था, अमालेकी हारते जाते थे, योशुआ ने तलवार के घाट उतारता जाता था, यह परमेश्वर का सामर्थ्य था। इसी तरह कलीसिया का याजक, कलीसिया का चरवाहा, जब तक प्यारे भाइयों और बहनों अपनी प्रजा के लिए, ईश्वर की प्रजा के लिए प्रायश्चित में हाथ को ऊपर उठाए रखता है, वो बर्बाद नहीं हो सकती, वो नष्ट नहीं हो सकती, परमेश्वर उसे बचाएगा। तो इसलिए आप दंपति जो अपने घर के नबी हैं, आप जो अपनी घरेलू कलीसिया के पुरोहित हैं, आप जो अपने बच्चों के जन्मदाता हैं, इसी के साथ साथ आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को अय्यूब के जैसे नित्य प्रतिदिन प्रभु की वेदी पर समर्पित करें और प्रभु उन्हें बल प्रदान करेगा, प्रभु उन्हें बल प्रदान करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है, उनके दुहाई देने से पहले यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 65 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है पद संख्या 24 में, उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 24, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 65 वर्स 24, कि मैं उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा। जब आपके हाथ ऊपर उठे रहते हैं, जब आप घुटनों पर रहते हैं। इसलिए कई मर्तबा मैंने आपसे कहा कि आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितने आपके जमीन से घुटने दूर हैं, क्योंकि जब कोई परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है तो परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो जाता है और आशीर्वाद देता है, वो बैठा नहीं रहता है, कहता है जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं। तो यदि वो
कोई घुटना टेकता है तो प्रभु आपको आदर देता, आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपको आशीष प्रदान करता है। इसलिए मूसा से कहा, हारून से कहो कि अपने पुत्रों से कहें कि इसराइलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करें, उनके ऊपर हाथ रखें और उन्हें आशीर्वाद दें, शांति का ईश्वर तुम्हारे साथ हो, उन्नति का ईश्वर तुम्हें उन्नति प्रदान करे, वो तुम्हारे अन्न जल भंडारों को आशीष दे और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा यदि तुम उसकी सेवा करोगे, यदि तुम उसके मार्गों पर चलोगे, यदि तुम उसकी बातों को मानोगे। इसलिए सुक्ति ग्रंथ में मैंने आपके लिए वचन पढ़ा प्यारे भाइयों और बहनों, कि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, जैसा मैंने कहा यदि तुम वैसा मानोगे, मेरी बातों को कान लगाकर यदि सुनोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे। यू विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द डिवोशन। ये जो भक्ति हम करते हैं तब आप इसका मर्म समझेंगे कि ये खाली मुंह से बोलने और चिल्लाने वाली भक्ति नहीं है, परंतु जब परमेश्वर के सामने आप उपस्थित होकर उससे जुड़ जाते हैं तो वो आपके बीच में आकर खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। जब अंधे ने यरीखो के रास्ते में उसे पुकारा, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, लोग उसे चुप रहने के लिए डांटते थे, लोग उसे चुप रहने के लिए डांटते थे, लेकिन जितना उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे वो उतनी जोर से चिल्लाता था। यीशु ने भीड़ को नजरअंदाज किया और लोगों से कहा, उसे मेरे पास लाओ। उसके पास गए, उन्होंने उससे पूछा, क्या चाहते हो? बोला, मैं देखना चाहता हूं, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे साथ हो जाए। और वो देखने लगा प्यारे भाइयों और बहनों, पाप में पकड़ी गई स्त्री, एक स्त्री जो प्रभु का पल्ला छूने के लिए भीड़ को चीरती हुई आई, प्रभु ने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। और जब कोई व्यक्ति विश्वास से भरकर प्रार्थना करता है, पूरे हृदय से उसे पुकारता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहता, तो परमेश्वर आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके राज्य में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। कहता है, उचित समय आने पर मैं इसे पूरा कर दूंगा। बोलो आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा, रहस्यमयी बातें बताऊंगा, जिन्हें तुम नहीं जानते। जकरिया नबी का ग्रंथ, जकरिया नबी का ग्रंथ, अध्याय चार, पद संख्या छह, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ से नहीं वरन मेरी आत्मा के द्वारा कहता है, मेरी आत्मा के द्वारा वो काम करती है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, शक्ति और सामर्थ से नहीं, भुजबल से नहीं, परंतु मेरी आत्मा के सामर्थ से। ये परमेश्वर जकरिया नबी के द्वारा लोगों को घोषित करता है और भविष्यवाणी करता है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम उसकी खोज करो, ठीक वैसे जैसे किसी व्यक्ति को खजाना अगर मिल जाता है और उसे पता लगता है तो वो जाके पूरा खेत क्या करता है, खरीद लेता है और वो खजाना ढूंढने लगता है, पूरा खेत खरीद लेता है। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कि तुम सबसे पहले ईश्वर की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम अपने इन कमजोर पैरों को और कमजोर हाथों को जो शिथिल पड़े हुए हैं, इन्हें सबल बना लो, प्रभु के सामने इन्हें तगड़ा कर लो और घुटनों पर आ जाओ, कहता है, उसके सामने खड़े हो जाओ। यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अगर कोई हल्की मूठ पकड़कर पीछे देखता है तो वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। मेरे पीछे जो आना चाहता है
उसे आत्मत्याग करने की आवश्यकता है। अगर कोई मेरे पीछे आता है तो वो ये डिसाइड कर ले कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हें भी वही कष्ट झेलने पड़ेंगे, उन कष्टों से तुम्हें भी होकर जाना पड़ेगा, दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा। लेकिन प्रभु की महिमा, प्यारे भाइयों और बहनों, इन दुखों की तुलना में बहुत अधिक महान है, बहुत अधिक महान है। उस महिमा की तुलना में ये वर्तमान समय का जो दुख है, जो कष्ट है, ये नगण्य है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ चढ़ावे लेकर परमेश्वर के सामने आए। जब हम उसकी इबादत में रहते हैं तो संपूर्ण हृदय से हम उसकी आराधना करें और उसके साथ जुड़ जाएं। आज भी विश्वासी अपने घरों में, परिवारों में, अपने जीवन में जब बात परमेश्वर की आती है तो कंजूसी कर जाता है, चाहे वो प्रार्थना की हो, चाहे वो प्रार्थना की हो, चाहे वो दान दक्षिणा की हो, चाहे दशमांश की हो, चाहे सेवा की हो, या फिर किसी और चीज की हो, किसी और चीज की हो। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो वहां पर हमारे प्राचार्य जो पुरोहित थे वो यही कहा करते थे कि आराधना के समय, मिस्सा बलिदान के समय, या जब भी आप प्रभु की वेदी पर अर्ध चढ़ाने जाते हो, बलिदान चढ़ाने जाते हो, तो कभी भी कंजूसी नहीं करना, ना चीजों की और ना ही अपने समय की। जितना संपूर्ण, जितना समय उस प्रार्थना के लिए चाहिए उतना समर्पित करना। आज कितने घरों में बच्चे कभी कभी मम्मी पापा से बोलते हैं, छोटी प्रार्थना करना, छोटी प्रार्थना करना मम्मी, आज थक गए। पापा बोलता है चलो आज एक ही भेद बोल लेते हैं रोजरी का, कोई बात नहीं। मम्मी कहती है चलो टाइम बहुत हो गया बेटा, अभी काम करो, आज एक प्रणाम मरिया पिता पुत्र बोल के हो जाएगा। जितना आप देंगे उतना ही आपको भी मिलेगा, जितना आप देंगे, यीशु ने कहा, उतना ही आपको भी मिलेगा। तुम दबा दबा के दोगे तो तुम्हें भी दबा दबा के दिया जाएगा, तुम कंजूसी करोगे तो तुम्हारे लिए भी कंजूसी की जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर बहुत ज्यादा ईमानदार है, अपनी हर बात में, हर बात में ईमानदार है कि जैसा तुम उसे दोगे वैसा ही वो तुम्हें प्रदान करेगा। जितना प्यार दिखाएंगे उतना ही वो भी दिखाएगा। अगर ये मेरे और आपके जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होता है तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम जितना प्यार दिखाएंगे उतना ही वह भी दिखाएगा, और जितना अधिक प्यार दिखाएंगे आप उतनी ज्यादा आशीषें और बरकतें हमारी जिंदगी में आएंगी। तो सर्वश्रेष्ठ चीजें समर्पित करना, और उन चीजों में सबसे पहली बात यह है कि अपनी भक्ति, कि अपनी भक्ति जो और निष्ठा और दृढ़ता, उसमें आप ईमानदार रहें और सच्चे रहें और अपने हाथों को ऊपर उठाए रहें, अपने हाथों को ऊपर उठाए रहें। सुंदर वचन है, बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति प्रभु के कामों में शिथिलता दिखाता है वो अभिशप्त है। जो व्यक्ति प्रभु के कामों में शिथिलता दिखाता है वो अभिशप्त है। जो प्रभु की भक्ति करने में शिथिलता दिखाता है उसे महिमा और सम्मान का मुकुट नहीं मिलेगा, वो उससे वंचित रहेगा। यदि आप वचन खोलेंगे यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10 में, तो सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बता रही है अध्याय 48 पद संख्या 10, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्यों में शिथिलता दिखाता है।
वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है, नीरसता दिखाता है, आलसपन दिखाता है, प्रभु का दिन पवित्र नहीं रखता, समय पर प्रार्थना के लिए नहीं जाता, अपना दशमांश जो समय के रूप में देना चाहिए वो नहीं देता। प्रभु कहता है वो अभिशप्त है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि तुम अपने इन शिथिल घुटनों को, सीनियर सिटीजन होने के बाद थोड़े दुखने लगते हैं, गठिया हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है, या वेट ज्यादा हो जाता है, प्यारे भाइयों और बहनों तमाम समस्याएं हैं, लेकिन अगर हमारी विल पार अच्छी है तो प्रभु हमारे हृदय के भावों को जानता है, हम उस काम को कर सकते हैं। प्रभु ये नहीं देखता कि तुमने 4 घंटा टेका घुटना, प्रभु हमारा मन देखता है कि किस भाव से हमने उस चीज को किया है। एक विधवा जिसने 2 अधेले मंदिर में डाले, प्रभु ने उसके 2 अधेलों की प्रशंसा की। बात वहां पर यह नहीं थी कि उसने 2 अधेले दिए या किसी दूसरे व्यक्ति ने 10,000 दिए, बात वहां यह थी कि उसकी नियत ईमानदार थी, उसकी नियत में खोट नहीं था, उसके मन में जो भाव था वो सच्चा था। उसने सोचा कि प्रभु ने मुझे दिया है और मुझे और मिल जाएगा, इसलिए मैं अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभु को अर्पित करूंगी। इसलिए उसने अपने शिथिल विचारों को भी सबल बना लिया, दृढ़ बना लिया, प्रभु पर भरोसा रखा और उसने वो समर्पित किया, और परमेश्वर ने उसके हृदय के भावों को देखा और उसकी प्रशंसा की और बोला कि जितने लोग मंदिर में दान डाल रहे हैं इन सब में से इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो जरूरत थी, इसकी जो मनपसंद चीज थी, जिससे इसने अपना कार्य करना था, इसने प्रभु को वो दिया, सर्वश्रेष्ठ दिया है, सर्वश्रेष्ठ दिया है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं आदम और हवा के 2 बेटों के विषय में, काइन और हाबिल के विषय में। दोनों ने प्रभु को बलिदान चढ़ाया। हाबिल के पास बहुत सारी भेड़ें थीं, वो भेड़ों की देखभाल किया करता था, पर काइन क्या था, किसान था। हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ गठा हुआ एक मेमना, पहलोठा और निर्दोष मेमना चुना, जो सबसे बेस्ट था, सुंदर था, और उसे प्रभु के लिए बलि अर्पित किया। दूसरी ओर काइन, बाइबल कहती है कि उसने अपनी उपज का कुछ अंश लिया, उसने अपनी उपज का कुछ अंश लिया और जाकर वो प्रभु को अर्पित किया, और प्रभु ने उसका बलिदान स्वीकार नहीं किया, उसने हाबिल का बलिदान स्वीकार किया। इसलिए काइन अपने भाई से नाराज हो गया, ईर्ष्या करने लगा, नफरत करने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भाई का चढ़ावा स्वीकार किया लेकिन उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी नियत में खोट था, वो परमेश्वर को ठग रहा था। इसलिए बाइबल हमें बताती है मलाकी के ग्रंथ में, हम बार बार इस वचन को पढ़ते हैं 3 में कि मैं प्रभु ईश्वर नहीं बदलता, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते आए। तुम मेरे पास लौट कर आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। तुम पूछोगे हम कैसे लौटें, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है, फिर भी तुम मुझे ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुम्हें ठग रहे हैं, तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठगते हो। तुम पर, हाँ तुम्हारे राष्ट्र पर श्राप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा देते हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटें मेरे पास लाओ जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख कर देख लो, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा कि वह तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। बोलिए आमेन।
हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आपके सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में, मेरे कार्यों में आपकी आशीष, आपकी सदा सर्वदा बनी रहे, सदा सर्वदा बनी रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो जब हम प्रभु के सामने घुटनों पर आते हैं, हाथों को उठाते हैं, उसे प्रसन्न करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, क्योंकि उसे स्तुति प्रशंसा बहुत प्रसन्न है। उसने स्वर्गदूतों को बनाया अपनी संगति में रहने के लिए, जो दिन रात उसके स्वर्ग में प्यारे भाइयों और बहनों उसकी स्तुति और आराधना करते रहें। इसलिए सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत प्यारे भाइयों और बहनों उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होकर हालेलुया होसाना बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं। इसलिए पूरी बाइबल में हालांकि दाऊद का पाप बड़ा भारी था, लेकिन फिर भी उसकी स्तुति प्रशंसा के कारण, उसकी वर्शिप के कारण परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया और फिर से उसे अपनी आत्मा का अभिषेक प्रदान किया और उसे इज़राइल के राजा के रूप में उसने फिर से उसके साथ प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। और दाऊद के घराने से प्रभु यीशु आ गया और आज भी वो घराना प्यारे भाइयों और बहनों ब्लेस्ड है। आज भी वो वंश चलता आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा उसने हम लोगों के साथ, दाऊद के साथ, इज़राइल के साथ उसने प्रतिज्ञा की। हमने स्त्रोत दोहराया 89, भजन संहिता 89 में हमने दोहराया कि प्रभु कहता है मैं सत्य प्रतिज्ञा हूँ, मैं अपने नाम की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं दाऊद का वंश बनाए रखूँगा, मैंने उसके साथ प्रतिज्ञा की है। ये उसका वादा है, वो जिन्हें चाहता है उन्हें बहुत ऊपर उठाता है और जिन्हें नहीं चाहता बाइबल कहती है अधोलोक से भी नीचे गिरा देता है। तो उसके वो हमें प्यार करे, वो हमें चाहे, इसके लिए हमें उसके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उसकी जरूरत है इस धरती पर जिंदा रहने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए हमें उसकी जरूरत है। इसलिए हम नित्य प्रतिदिन उसकी हजूरी में आकर खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें और एक अच्छे आराधक के रूप में, सच्चे आराधक के रूप में हम प्रभु की स्तुति करें। कुछ क्षण मौन रहें, मनन चिंतन करें और सोचें कि क्या मेरे हाथ सबल बने हुए हैं, क्या ये स्तुति में उठते हैं, क्या ये थोड़ी देर ऊपर करके आराधना करने वाले हाथ हैं, क्या ये सेवा के हाथ हैं, क्या ये आशीष देने वाले हाथ हैं, क्या ये लोगों का उद्धार करने वाले हाथ हैं, क्या ये बनाने वाले हाथ हैं या बिगाड़ने वाले हाथ हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इन हाथों और इन पैरों में बल प्रदान करे। संत पौलुस इसलिए लिखता है कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आप में से जितने भी लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, आप उससे मांगिए, वो आपको देगा, उसकी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। इसलिए इस वक्त हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और इसी के साथ चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। तिमोथी के पत्र में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है प्यारे भाइयों और बहनों कि वो हमारे कल्याण की बातें सोचता है, वो हमारे कल्याण की बातें सोचता है। अध्याय 2 पद संख्या 8, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में कहता है कि तुम सब बैर भाव त्याग कर, हर प्रकार की बातों को त्याग कर, हर बुराई से दूर रहकर तुम प्रभु की स्तुति आराधना में लगे रहो और वो तुमको आशीष प्रदान करेगा।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे नाम से, तेरे पवित्र वचन के द्वारा, तेरे पवित्र लहू से, तेरे पांच घावों की योग्यता से, तेरे वचन के सामर्थ्य से आदेश देता हूँ गंदी बदरुओं को, तेरे इन बेटे बेटियों के परिवारों से निकले और जल के राख हो जाए। दया करना अब्बा पिता, हर प्रकार से अंधकार की शक्तियां, रोग बीमारी, बुरे विचार, नशे की दुष्ट आत्माएं, अश्लीलता, तेरे पवित्र सामर्थी नाम से इनके जीवन से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, तंगी मुसीबत की, दुखों की, कष्टों की, लकवे की, रोग बीमारी की, लाइलाज बीमारियों की दुष्ट आत्माएं, हे प्रभु तेरे वचन के सामर्थ पवित्र लहू से जल के राख हो जाए। तेरी रूह का ताजा मसा इनके ऊपर उतरे, तेरा पवित्र लहू का विलेपन कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी आशीष और बरकतों के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरी प्रेरणा के लिए, धन्यवाद तेरे सामर्थ्य के लिए जो तूने इस वक्त यहाँ पर तेरे बच्चों के जीवन में प्रकट किया है। जितने भी लोग इस वक्त प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, इनके घरों को ब्लेस करना, चौकटों बिछौनों को तेरे पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस करना। तेने तूने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें नवजीवन प्रदान करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दोनों हाथों को सीने पर लगाना, दोनों हाथों को सीने पर लगाना प्यारे भाई और बहनों, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरी भक्ति से प्रभु को पुकारना और मेरे पीछे इस गीत को गाना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। चिड़ियों को जिसने बनाया है वो प्रभु मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। गाइए, मांगो मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर।
इसी वचन के द्वारा इस वक्त अपनी प्रार्थनाओं को, धन्यवाद की प्रार्थनाओं को समर्पित करें. ऑफर द प्रेयर्स ऑफ सप्लिकेशन टू द लॉर्ड राइट नाउ. बड़े भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास हम इस वक्त आए हैं, खड़े हैं. वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है. मैं आप सबको समर्पित करता हूँ इस वक्त, जितने भी लोग दूर दराज से, देश विदेश से, हमारे अपने घरों से इस वक्त इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं. परमेश्वर आपके घरों को ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, नाती पोतों को, बुजुर्गों को, दंपतियों को, नौजवानों को, अधिकारियों को, सभी पुरोहितों को प्रभु ब्लेस करे और आपको आशीष प्रदान करे. इस विशेष कृपा के लिए इस वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे. मांगो तुम्हें दिया जाएगा, करते हैं स्टीफन के लिए. प्रभु जो बीमार हैं, उसे वो कोमा में चला गया है, उसकी नसों में तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू दौड़ने लगे. तेरा स्वर्गदूत रफाइल जो बीमारों की देखभाल करने वाला फरिश्ता है, हे प्रभु उसे आदेश दीजिए कि ऐसे सभी तमाम बीमारों को जो अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, घरों में हैं, लकवे से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया करें. उन डॉक्टरों को, नर्सेस को जो इनका इलाज करते हैं, आशीष प्रदान करें और इनके हाथों को पवित्र बनाएं, सबल बनाएं. साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं सुसाना हंसदा के लिए, हे प्रभु उनके शारीरिक परेशानियों से आज़ाद कर. अंजना को प्रभु शारीरिक दर्दों से आज़ादी प्रदान कर. संगीता किसपोटा को प्रभु दुर्घटना में चोट लगी है, चंगाई मिले. प्रीति रानी को प्रभु मनोकामनाएं पूरी हो जाएं. सीमा कौर के परिवार में प्रभु जो भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े समाप्त हों. रजनी को अच्छा जीवन साथी मिले. राहुल को प्रभु चंगाई प्रदान कर. एंथोनी गोम्स को प्रभु अच्छा जीवन साथी मिले. डॉर्थी के पैरों को प्रभु बल प्रदान कर. निर्मला के घुटनों को प्रभु बल प्रदान कर. लियोन को प्रभु नौकरी की आशीष मिले. तनीषा को प्रभु संपूर्ण चंगाई दे. हेनरी को अच्छा जीवन साथी मिल जाए. स्टीव को प्रभु नौकरी की आशीष प्रदान कर. हौसले के परिवार में सुख शांति आए. एलेन और नोएल के कारोबार में प्रभु आशीष प्रदान कर. पूनम की का प्रसव प्रभु अच्छे से होने पाए. अंजलिना के शारीरिक परेशानियों से आज़ाद कर. तपस मंडल के परिवार को प्रभु कोर्ट कचहरियों के केस से आज़ादी प्रदान कर. इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं. सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना, सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना, दे दो हमें चंगाई का दान, दे दो हमें चंगाई का दान. सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना, सुन लो. डॉर्थी विंसेंट के पैरों में प्रभु बल प्रदान कर. सेंड्रा और सोनम को अच्छा स्वास्थ्य मिले. मनोज और पूनम को प्रभु डिलीवरी केस से अच्छे होने पाए. रोजलीन रोजालिया को संपूर्ण चंगाई मिले, बीमारी से आज़ादी मिले. लतीशिया गोम्स के परिवार में प्रभु तेरी आशीष प्रदान कर. स्टेनिलोस गोम्स के जीवन में प्रभु तेरा आशीर्वाद उतरे. एंथनी गोम्स को अच्छा जीवन साथी मिले. नील रजत नंदा को आशीष प्रदान कर. मोजस रोजारियो और आइवन गोम्स को प्रभु आशीष प्रदान कर. रायन जोसेफ रोजारियो का मन परिवर्तन हो जाए. प्रिया रॉबिन और प्रियस को अच्छा जीवन साथी मिले. अंजलिना को प्रभु शारीरिक बीमारियों से, दर्दों से आज़ाद कर. सरोज बेन को प्रभु स्प्लीन की बीमारी से आज़ाद कर. लियोन को प्रभु
नौकरी की आशीष मिले, तनीषा को अच्छा स्वास्थ्य, हेनरी को प्रभु अच्छी वधु मिल जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना, सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना, दो हमें प्रभु चंगाई का दान। कर दे मेरे मसीह, स्पर्श कर दे मेरे मसीह, सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना, सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना। सरिता को और ऐसे तमाम बच्चों को जो परीक्षाएं लिख रहे हैं, सफलता मिले। राधिका का मन परिवर्तन हो प्रभु। कविता के पति का मन परिवर्तन हो जाए। दिनेश को अच्छा स्वास्थ्य मिले। सुरेश को सिर और गले की तकलीफ से आज़ादी मिले। लक्ष्मी तांदिया को संतान का वरदान दे। विनीता खेस के परिवार से प्रभु हर प्रकार के बंधन टूटें। शालिनी, एंजल और एल्विन को अच्छा स्वास्थ्य दे। मयंक धाबी, सुरेश मेकवान एवं स्नेहल रॉय को संपूर्ण चंगाई मिले। प्रेयस और रॉबिन को जीवन साथी मिले। फादर रेमंड को प्रभु घुटने, कमर और हर्निया के दर्द से छुटकारा मिले। रिबेका और स्टेनी को जीवन साथी मिले। सुशीला बेन के अच्छे को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। अर्पिता नीरव को प्रभु संतान का वरदान मिले। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए। आप जितने भी लोग इस वक्त प्रार्थना में हैं, खड़े हैं, अपने लिए प्रार्थना करना, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने दफ्तर के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने पुरोहितों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है, संत पौलुस लिखता, मैं अनुरोध करता हूँ कि तुम सभी अपने अधिकारियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करो और वो तुम्हें आशीष प्रदान करेगा। सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना, सुन लो प्रभु मेरी प्रार्थना, दो हमें चंगाई का दान, दो हमें चंगाई का दान, स्पर्श सभी घुटना टेकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके घर की वेदी पर जो तेल और जल रखा है या रिलीजियस आर्टिकल्स हैं, प्रभु इन पर आशीष प्रदान करें। जितने लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से आज की इस पवित्र आराधना में भाग लिया, प्रभु का वचन सुना है, आशीर्वाद ग्रहण करें। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है, तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया है। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। हे प्रभु, जैसे यर्मियस नबी ने अध्याय 17 पद संख्या 14 में कहा कि प्रभु मुझे स्वस्थ कर तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे ये बच्चे तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, नतमस्तक हैं,
इनका प्रभु प्रायश्चित का चढ़ावा स्वीकार कर, मन्नतों को पूरा कर दे। इनके हृदयों की थाह लेकर जो निवेदन ये कर रहे हैं उसे सुन ले और इनके जीवन में पूरा कर दे। इनके बच्चों को प्रभु सद्बुद्धि प्रदान कर, ज्ञान का वरदान दे, स्मरण शक्ति का वरदान दे। जो अनेक प्रकार की परीक्षाओं में बैठने वाले, इंटरव्यू देने वाले हैं, नौकरी की तलाश में हैं, इनके लिए प्रभु यीशु तेरी आशीष बरसाने की कृपा कर। इनके माता पिता और इनके खेत खलियानों, इनके माल डंगर, खेती बाड़ी, दफ्तरों पर, संस्थाओं पर तेरा आशीर्वाद बना रहे। तू अपने वादों का सच्चा है, हे प्रभु तूने वादा किया है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हे प्रभु यीशु, आपने कहा जो मांगता उसे दिया जाता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। हम विश्वास करते हैं कि जो हमने मांगा हमें मिल गया है। हे प्रभु, तेरी महिमा अब हमारे जीवन में और परिवार में प्रकट हो जाने दे। इस संध्या के समय हमारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तुझे पसंद आए, हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर, प्रायश्चित का चढ़ावा कबूल कर और अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे जीवन में आशीषें प्रदान कर। हे प्रभु, तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज तू अपने अयोग्य दास की प्रार्थनाओं को सुन और अपनी प्रजा को आशीष प्रदान कर। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे। शांति का ईश्वर आपके साथ हो, उन्नति का ईश्वर आपको उन्नति प्रदान करे, चंगा करने वाला परमेश्वर आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखे, आपके शरीर की नसों को स्वस्थ रखे। आपके घर में सदा उसकी महिमा होती जाए और वो आपको उन्नति प्रदान करता जाए। हे पिता ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद महिमा हो सदा सर्वदा। तालियों बजाएं प्रभु को धन्यवाद दें।
सबको जय यीशु की। जी हाँ प्यारे भाइयों, यीशु का नाम जिसमें जिंदगी है, जो हमारी बंदगी है, वो सबसे ऊंचा है। उस नाम में शिफा है, नाम में चंगाई है, नाम में सामर्थ्य है, नाम में जिंदगी है। ये नाम आपकी जिंदगी में महिमा पाए और आपको उन्नति प्रदान करे। आज का वचन जो आपने सुना है, 100 गुना फल लाए। हाथों को उठाएं, घुटनों को जो शिथिल हैं सबल बना लें और प्रभु से प्रार्थना करें और मांगें, वो आपको प्रदान करेगा। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।